हाय दोस्तों, आपका अपना चैनल मिट्टी मोटिवेशनल में स्वागत है। दोस्तों, जब सब लड़के छोटे होते हैं तो उनके माता पिता क्या कहते हैं कि अगर लड़का बदमाशी करता है तो ये कहते हैं कि पढ़ लिख लो, पढ़ के उसके बाद जब बड़े हो जाना तो बिजनेस कर लेना, ऐसे ही कहते हैं, ऐसी नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे, अच्छा नौकरी लग जाएगी, यही कहते हैं। क्यों ये नहीं कहते हैं कि पढ़ लेना, पढ़ लिख के और अच्छा नौकरी जॉब करें, अच्छा बिजनेस कर लेना? क्योंकि उनको उनके भी माता पिता यही कहे होंगे, पढ़ लिख लो, पढ़ उसके बाद नौकरी, अगर पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक वो था, क्या कहते हैं, एक परेठा बनता है आटे का, इसमें ही फोल्ड करके बनाया जाता है, उसमें जैसे कि रोटी नुमा बना के फिर उसमें तेल लगा के फिर उसे फोल्ड करके फिर तेल लगा के फिर फोल्ड कर देते हैं और उसे फिर बेल के और उसे बना देते हैं। तो ऐसा क्यों बनता है? ऐसा इसलिए बनता है कि पहले, बहुत पहले की बात है, एक लड़का था, मनो स्कूल जाता था तो एक लड़का और था, तो डेली जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा उसके पास बढ़न तवा होगा, उसकी माँ बना कर दे रही होगी, तो उसने बहुत बड़ा बड़ा रोटी लेकर आता था तेल पुतवा के। तो वो जाकर, जो लड़का एक था वो गरीब था, वो जाकर अपनी मम्मी से बोला कि मुझे भी बड़ी वाली रोटी चाहिए। उसकी मम्मी ने जुगाल लगाया कि बड़ा तो तवा है नहीं, तो क्यों ना हम ऐसे करके बना, तो ऐसे करके बना देती थी। आज भी लोग वैसे ही बनाते हैं, पता ही नहीं है कि ऐसे क्यों बनाते हैं। मैं मम्मी से पूछा अपने एक दिन, मम्मी ऐसे क्यों बनता है, तो बोली कि नहीं मुझे भी नहीं पता। तो यही है। एक और इसके पहले एक था, कोई पकवान बनता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा की साइड से काट देते, काट कर बनाया जाता है। तो एक लड़का था, उसने पूछा कि क्यों ऐसे बनता है, तो वो बोली उसकी मम्मी कि ये दादी जो है वैसे ही बनाती हैं। फिर दादी से पूछा गया कि आप क्यों ऐसे बनाती हैं, तो दादी बोली कि मेरी माँ ऐसी बनाती थी। तो उनकी माँ से पूछा गया तो उनका उनकी माँ थी और जवाब वो बताई कि मेरा कढ़ाई छोटा था इसलिए मैं काट के बनाता था। तो यही है कि जो जैसे होता है वैसे सब करते चले जाते हैं, ये भी नहीं कोशिश करते कि क्यों ऐसे बनता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए जानने के लिए। तो यही है कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं हो पाएगा। मेरा मानना तो ये है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, बस जुनून होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।